हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमए रसोई में। आज मैं बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता लेके आई हूँ, जो आप इसे ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं, कभी हल्की फुल्की भूख में भी इसे खा सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेसन और आलू का नाश्ता। तो देखिए, मैंने जो आलू ले लिए हैं, दो आलूओं को मैंने इसे छील कर इसे मैंने दो से पानी में धुल लिया है। अब इसका हम ऊपर का भाग है इसे हम अलग कर लेंगे, और जो हम इस तरीके से काटना है, जिस तरीके से हम चिप्स वगैरह काटते हैं, हम इस तरीके से काटना, ना ज़्यादा मोटा काटना है ना ज़्यादा पतला काटना है। आलूओं को देखिए हमने काट लिया है, अब इन आलूओं को हम रख देंगे साइड में। अब मैंने लिया है देखिए एक बाउल, और बाउल में हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच हम बेसन डालेंगे। बेसन हम उसी चम्मच से डालेंगे जिससे हम खाना खाते हैं, और बेसन को हमें डाल लेना है। अब इसमें हम डालेंगे एक बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्च को, और डालेंगे बारीक चॉप धनिया डालेंगे हरा वाला धनिया। अब आधी चम्मच डाल देंगे हम इसमें चाट मसाला, और हमें डालना है आधी चम्मच जी हमने लिया है अजवाइन। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया बढ़ जाता है। आधी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और आधी चम्मच डालेंगे मिर्च पाउडर। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए मिर्च पाउडर को, और नमक को हमें डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। और इसमें हम हल्का हल्का सा पानी डाल के इसका हम बैटर को हम तैयार कर लेंगे। हमें एक खट्टा पानी नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक बैटर को हमें तैयार कर लेना है। देखिए हमारा घोल इस तरीके का होना चाहिए। पैन को मैंने देखिए जी गैस पर मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल डालेंगे। हमने रिफाइंड तेल लिया है, और पैन में हमें तेल को हमें अच्छे से मिला लेना है। और उसमें हम जी आलूओं को पीस को इस तरीके से हम रखते जाएंगे। हमें इस तरीके से रखना है आलूओं को कि इसके ऊपर एक हल्का से किनारी आनी चाहिए, और सारे पैन में हम सारे आलूओं को इसी तरह से हम रख लेंगे। देखिए आलूओं को मैंने रख दिया है इसमें पैन के ऊपर, और इसे हम ढककर हम 2 मिनट इसे हम हल्का सा हमें कच्चापन आ भगाने तक हमें इसे हम पका लेंगे। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, ताकि हमारा नाश्ता जो बनेगा वो देखने में भी अच्छा लगे। 2 मिनट देखिए हो चुके हैं, मैंने इसे पका लिया है, तो हल्का हल्का सा हमारा आलू है वो सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने बेसन का घोल बना के रख लिया था, हमें चारों तरफ इसे अच्छे से डाल देना है, ताकि जो आलू है हमारा वो अच्छे से ढक जाना चाहिए। इस तरीके से हमें घोल को डालना है। अब इसे हम घोल को हमें डालने के बाद इसे हम ढक कर हम इसे स्लो आँच में पकाएँगे 2 से 3 मिनट। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए कलर कितना बढ़िया आया है हमारे नाश्ते का। अब इसे हम हल्का से इस तरीके से हिला लेंगे पैन को, और इसी के ऊपर हम एक प्लेट या थाली रखेंगे, और नाश्ते को हम पलटा लेंगे। हमें आराम से पलटाना है, ताकि जो नाश्ता है वो हमारा टूटे नहीं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, देखिए आलू हमारा अच्छे से सिक गया है। और इस वापस से हम पैन में इसी तरीके से फिर से हम रख देंगे, और अच्छे से हम सेक लेंगे इसे 2 मिनट के लिए, और ढक्कन हम इसे सेक लेंगे 2 मिनट। देखिए वापस से हो चुके हैं पकते हुए, देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है, और दोनों साइड से हमारा नाश्ता अच्छे से सेक गया है। अब इसे हम पलटते हुए फिर से निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।